हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ALP और लोको पायलट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी रेलवे ALP की कट ऑफ और लोको पायलट की कट ऑफ के ऊपर, तो आपके उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट आ रहे थे। कोई कमेंट कर रहा था कि सर कट ऑफ जो है वो अलग अलग होगी या नहीं होगी, PCM की कट ऑफ क्या रहेगी, ITI वालों की कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ITI वालों को क्या फ़ायदा होगा और बिना ITI वालों को क्या नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपने उस वीडियो में कमेंट बॉक्स में किए थे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन सभी क्वेश्चनों का जो है आंसर लेंगे और आपको कट ऑफ के बारे में भी बता दिया जाएगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमारे चैनल के ऊपर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी भी करवाते हैं और उनकी आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप अभी की अभी सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर करके उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो बेल का बटन आए उसको भी क्लिक कर लें, जिससे हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख पाओ। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हम आपको अनअकैडमी एजुकेटर ऐप के ऊपर भी एजुकेट कर रहे हैं, वहां जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने SSC CGL का क्रैश कोर्स अभी चलाया हुआ है और इंग्लिश की वो कैब भी आपको अच्छे तरीके से ट्रिक वाइज करवाई जा रही है, जिससे आप उनको कभी नहीं बोलेंगे। तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की कि कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है या नहीं रहने वाली। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि कट ऑफ जो है वो अलग अलग नहीं रहने वाली है, कट ऑफ एक ही रहेगी। इसके बाद आपका डाउट है कि सर ITI वालों की ज़्यादा सीट है और PCM वालों की कम सीट है, तो कट ऑफ अलग अलग कैसे नहीं होगी, तो ये कैसे संभव है। तो इसका आंसर भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है वो ऐसे बनाई जाएगी कि ITI वालों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा और PCM वालों को फायदा नहीं होगा। ITI वाले जो है उनको बोनस अंक मिलेंगे, ITI डिप्लोमा वाले जो भी आप समझ जाइएगा, इनको जो है बोनस अंक दिए जाएंगे, PCM वालों को कोई बोनस अंक नहीं मिलेगा। या और बोनस अंक उनको भी मिल सकता है जिनकी शिफ्ट का पेपर जो है एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड था, तो उनको भी बोनस अंक मिलेंगे और ITI वालों को भी बोनस अंक मिलेंगे। और इन दोनों को मिलाने के बाद एक ओवरऑल कट ऑफ बनाई जाएगी, जिसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ एक ही रहेगी लेकिन ITI वालों को फ़ायदा ज़रूर होगा, इस डाउट में बिल्कुल भी ना रहें। अगर आपके पास ITI डिप्लोमा है तो आपको फ़ायदा होने वाला है, और PCM वालों से बिलोंग करते हो आप तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपके जितने नंबर आए हैं उन्हीं नंबर के आधार पर आपको कट ऑफ में सिलेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्ट हो पाते हैं तो ही आप CBT 2 दे पाएंगे, वरना आप CBT 2 से बाहर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि वो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है, क्या रह सकती है, क्या ज़्यादा हाई जाने वाली है या कम ही जाने वाली है। तो इस वीडियो में अब जो हम हैं वो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और डरिएगा मत क्योंकि वो ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, वो कम ही रहने वाली है। तो अब हम बात कर ही लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, रेलवे ALP और लोको पायलट का एग्ज़ाम जो है इसकी सबसे सटीक कट ऑफ हमने बनाई है 10,000 प्लस स्टूडेंट से सर्वे कर करके। और अब की बार जो है सीट वो 60,000 कर दी गई है, पहले कम थी लेकिन अब 60,000 सीट होने के कारण सरकार ने पहले ही बोल रखा है कि वो 15 गुना जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो CBT 2 के लिए वो लेकर के जाएंगे। तो हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि 60,000 गुना में अगर 15 करें तो हमारे पास 9,00,000 से 10,00,000 के बीच में बच्चे आते हैं। तो मतलब ये है कि सेकंड CBT के लिए, CBT सेकंड के लिए 9,00,000 बच्चे जो है लिए जाएंगे। तो इससे पहली बात तो कट ऑफ यहीं से कम हो जानी है, क्योंकि 9,00,000 बच्चे बहुत होते हैं और इतने बच्चे तो एवरेज हमारे जो इंडिया के अंदर पढ़ने वाले भी नहीं है। और बाकी रही बात, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्होंने ये फॉर्म फिलअप भी नहीं कर रखा था, क्योंकि किसी के पास तो मैथ नहीं था 12th के अंदर, तो किसी के पास ITI या फिर और किसी का डिप्लोमा नहीं था। तो हमने जो है ये स्टिक कट ऑफ बनाई है सभी बच्चों से। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने 60-65 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन जो उन्होंने अटैम्प्ट किए ना वो सभी के सभी ठीक नहीं है, उनमें बहुत गलत मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए थे घुमा फिरा करके। और बाकी बात रही, जो क्वेश्चन आए हुए थे वो लॉजिकल बेस थे, लग कुछ रहा था और हो कुछ रहा था। ये मैंने भी खुद पेपर दिया है और
मुझे पता है किस तरह का एग्ज़ाम आया था। तो हम जब कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के जहाँ तक बात है ना, वो 40 से 41 ही हाईएस्ट जा सकती है, एक नंबर ऊपर हो सकती है, एक नंबर नीचे हो सकती है, इससे 41 से या 42 से ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जहाँ तक ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वो 36 से 38 नंबर के बीच में रहने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत कम कट ऑफ है, लेकिन फ्रेंड्स विश्वास कीजिएगा, ये कट ऑफ जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाई है, बहुत बड़ा सर्वे किया है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स जे जितने भी हम यूट्यूब पे लगे हुए हैं, सभी ने हमने जानकारी लेकर के वीडियो बनाई है। और एससी कैटेगरी के लिए 34 से 35 कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं, और एसटी कैटेगरी के जो है वो 31 से 32 के बीच में रहने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट कर करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।